खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसान हितैषी मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें किसानों ने कहा कि हमारी कर्ज माफी जो है वह गले की फांस बन गई है। 2018 के चुनाव जीतने के लिए और राजगद्दी पाने के लिए जो छल किसानों के साथ किया गया है, विधानसभा चुनाव में हमें लगा कि नई सरकार आने से किसानों को लाभ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसानों को राज्य का नहीं है। 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ शर्तों पर हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन आज 2 महीने होने को आए हैं, अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसानों की प्रमुख मांग है कि राजेश राजौरा को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इनके द्वारा बनाई गई योजनाओं से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भावांतर बंद किया जाए। अगर सरकार सुधार करना चाहती है तो मंडी में समर्थन मूल्य से कम पर बोली ना लगे। अगर व्यापारी समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी करता पाया जाए तो कानूनी कार्यवाही की जाए या उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। किसानों को बिना कटौती 14 घंटे दिन में लाइट दी जाए। दूध का मूल्य कम से कम 40 रुपए तक किया जाए। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज जो है हमारी प्रमुख मांग है कि जो कर्ज माफी है वो सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। 2018 का चुनाव जीतने के लिए राजगद्दी के लिए जो छल किया किसानों के साथ, इसके कारण आज किसान एकत्रित हो रहे हैं कि 2 लाख तक का कर्ज माफ आज मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी किसान का होते नजर नहीं आ रहा है। पहले तो आपने शर्त लगा दी आते ही कि प्राइवेट बैंक वगैरह का कर्ज माफ नहीं होगा, उसके बाद कार्डों का खेल खेला गया। तो ये सब चीज़ें अब जहाँ तक है राजेश राजौरा से योजना निकलती है, नीतियाँ जो है उनके द्वारा बनाई जाती है, और जो भी नीति किसानों के संपर्क बनती है भाव अंतर को लेके या अन्य जो योजनाएं आती है उनके द्वारा आज तक योजनाएं फलीभूत नहीं हुई है। आखिर क्या मंशा है सरकार की? भाई सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं जा कर के किसानों की भी बात सुने, किसान प्रतिनिधियों को भी मंडल में बैठाया जाए और उसके बाद बात की जाए। अन्यथा हमारा काम है कि भाई ठीक है, आप विधानसभा में हमारे को लगा कि हमारा लाभ होगा, कर्ज माफ होगी या नई सरकार आएगी तो कुछ न कुछ करेगी, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। तो लोकसभा सामने है, हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि देखिए हमें तो वोट करना है, हमें कोई राजगद्दी का लोभ नहीं है, किसानों को राजगद्दी का लोभ नहीं है। अगर हमारी बातों को तरीके से माना गया तो हम पूर्णतः उनके साथ हैं, अन्यथा अगर आप छलावा करेंगे तो जनता उसका ईमानदारी से जवाब देगी, वोट बैंक से जवाब देगी। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।